से जो पहली बार ये अटेंड कर रहे हैं, कौन कौन ऐसे जो मुझे बता दूं कि अच्छा चलो एक कौन कौन ऐसे हैं जो मुझे पहले से जानते हैं या नहीं जानते हैं? स्टॉक मार्केट में पिछले करीबन 16-17 साल से हूँ मैं, और ये एड मार्केट प्लेटफॉर्म के ऊपर पिछले मेरे ख्याल 5-7 साल से मैं डे ऑपर दे चुके। और ये जो प्रेजेंटेशन आप आज देख रहे हैं ये आपसे पहले बहुत लोग देख चुके हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं इसमें से ये भी हैं। जिस दिन इस सीरीज की सबसे पहली प्रेजेंटेशन हुई थी 2011 में, उस दिन मौजूद थे इसमें से कुछ लोग, आज 2017 हो चुका है, 6-7 साल हो गए उसको। आपको रोड अहेड, इस जो प्रेजेंटेशन का पहला जो नाम था स्टार्टिंग, जो जब यहाँ से स्टार्ट हुई थी जर्नी, वो मैं दिखाया था आपको कि 2011 में जो ये प्रेजेंटेशन थी उसका क्या नाम था। हम करीबन 6000 के आसपास थे, 6300 के आसपास, जब नीचे 2200 के आसपास मिलती थी और ऊपर आई थी ना उसके बाद, तो हम वहाँ पे थे करीब। उस दौरान फिर हम दोबारा 6300 पे आए, तब मैंने ये प्रेजेंटेशन उस दिन बनाई थी और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है दिया था, एडवा भी उनमें से एक था 2011 में। उस दिन मैंने बताया था कि ये मार्केट जो हमारी जो निफ्टी या सेंसेक्स या जो हमारी इंडियन मार्केट है वो किस तरह के पैटर्न के अंदर है। वो पैटर्न ऐसा नहीं है इसका कोई नाम हो उस पैटर्न का, क्योंकि नाम वाले पैटर्न तो आप सबको पता है कितने होते हैं, 5-7-10 होते हैं। मेरे हिसाब से पैटर्न वो होता है जो पहले कभी बना है और वो रिपीट होते हैं पैटर्न, और वो पैटर्न वो आइडेंटिफाई करने वाले के ऊपर होता है जो उसको देख रहा है, उसको अपना पता होता है कि हाँ ये पैटर्न मैंने पहले कई बार देखा है और इसके बाद का रिजल्ट भी मुझे मालूम है। तो मैंने उस दिन ये बताया था कि ये जो पैटर्न में निफ्टी आ चुकी है या हमारी मार्केट आ चुकी है, ये पैटर्न आप लोगों का तो पता नहीं लेकिन मैंने कई बार देखा है और कई जगहों पे देखा है, कई टाइम फ्रेम में देखा है। मैंने उस दिन 5 मिनट से लेकर के और 5 सालों तक के चार्ट दिखाए थे जिसमें ये पैटर्न बना था और उस पैटर्न का रिजल्ट भी दिखाया था क्या हुआ। और लगभग हमारा जो मार्केट है वो लगभग उसी तरीके से काम कर रही है। थोड़ा उसके अंदर 2014 के बाद, 2015 के बाद थोड़ा सा चेंज आया हमारे लेवल्स के अंदर, उसका कारण रहा है रुपी की डेप्रिसिएशन, बस और कोई रीज़न नहीं था। हमने उस दिन जो लेवल्स जो अप्रॉक्सीमेट दिए थे कि मार्केट किस तरह की जोन में काम करेगी, उसमें और आज में सिर्फ जो फ़र्क है वो फ़र्क है रुपी डेप्रिसिएशन का। उस दिन रुपी आई थिंक 43-44 था और अब वो 67-70 तक चला गया, तो जो रुपी डेप्रिसिएशन में फ़र्क आया उतना ही हमारी मार्केट ऊपर है आज। मैंने उस दिन ये भी दिखाया था, अभी भी दिखाऊंगा आपको मैं चार्ट, कि डॉलर टर्म्स के अंदर हमारी मार्केट, डॉलर टर्म्स में हमारी मार्केट आज भी अपने 2008 के हाई से आज भी करीबन 12% नीचे, 10% नीचे आज भी, मतलब कल की क्लोजिंग में बता रहा हूँ, 10% नीचे है आज भी 2008 के हाई से डॉलर टर्म्स में। तो इट मीन्स हम डॉलर टर्म्स में कहीं नहीं गए, हम अभी वही हैं, हम जो भी गए हैं वो रुपी टर्म्स में गए हैं क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो गया डॉलर के सामने, तो इसलिए हमें दिख रहे हैं वो लेवल आज जो भी 9000-10000 जो भी लेवल हमें दिख रहे हैं वो लेवल हमें दिख रहे हैं, लेकिन अभी हमारे बुल मार्केट स्टार्ट भी नहीं, बुल मार्केट के स्टार्ट होने के लिए आपको कम से कम वो 2008 का हाई क्रॉस करना, उसके बाद की जर्नी फिर और आगे की चलेगी। तो अभी हमारे हिसाब से स्टार्ट भी नहीं हुआ है प्रोग्राम, और वो क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं, वो हमने बहुत बार उसके बाद, मैंने 2011 के बाद
एक बार 2013 के अंदर पार्ट टू इसका हमने किया था, फिर हमने 2014 में किया था ट्रेलर ऑफ द न्यू बुल मार्केट, जब ये मोदी जी के आने से पहले जब मार्केट 5,500 पे थी, तो मैंने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कहा था कि कोई कुछ भी बोलता रहे हम ऊपर जा रहे, और हम 8,500-9,000 चाहेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। मैं तो जरा दूसरों को भी आवाज आई किया, तब तो मोदी जी के बारे में कुछ एंटीसिपेशन नहीं था सपोज, तो क्या मोदी जी का इफेक्ट, अगर सपोज मोदी जी नहीं आते कोलिशन गवर्नमेंट आती तो मतलब डॉलर टर्म्स में शायद क्या मार्केट और भी नीचे हो सकता था? नहीं, आप ये 2014 की बात कर रहे हैं, 11 की नहीं, जैसे 2011 में आपको लगा कि जो भी आपने पैटर्न आपने रिपीट आपने का पैटर्न होते हैं, लेकिन उसके बाद तो मोदी जी के एपिसोड बाद में हुआ, तो अभी आप कह रहे हैं अभी भी डॉलर टर्म्स में मार्केट वहाँ नहीं है, तो अगर सपोज मोदी जी, हम लोग तो सोचते हैं कि मोदी जी के आने के बाद मार्केट्स में राइज आया 2013 के बाद, तो सपोज आदमी भी 2014 से पहले 2014 में एक आदमी को भी अगर ये बात बोलती होती कि ऐसी पार्टी जो कि फुल मेजॉरिटी से आ रही है इंडिया में कई सालों बाद, ऐसा लीडर जो कि एक बहुत ही अच्छा लीडर है, उसको तो कोई बात ही नहीं है, कोई मतलब आप कोई भी बात किसी को बोलो तो मान लेगा, स्टेबल गवर्नमेंट, अच्छा लीडर, क्रूड $35-40 और इंडिया की सारी प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर जुड़ी हुई तेल से ही होती है क्योंकि पैसा बाहर जाता है और बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएगी सारी जो भी ब्यूरोक्रेसी है वो है, तब भी अगर आपको कोई 2013-14 में कहता, मैं रुपी को छोड़ रहा हूँ, मैं कॉन्स्टेंट करेंसी की बात कर रहा हूँ डॉलर के अंदर, कि मार्केट 6,000 भी पार नहीं कर पाएगी तो क्या मानते हैं? मैं कह रहा हूँ इतनी सब कुछ होने के बाद भी, चलो आज कह लो यार छोड़ो, उस दिन छोड़ो, आज ये सारे फैक्टर्स मौजूद हैं, मार्केट अभी 6,000 के नीचे है। मार्केट अभी भी 6,300 के नीचे है सर, अब खाली रुपी को हटा दो, तो मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट कभी भी आदमियों पे रिएक्ट नहीं करती है, मार्केट आप पे या मेरे पे रिएक्ट नहीं करेगी, मार्केट रिएक्ट करेगी जो हो रहा है उसमें। और एक मैं आपको एक बात और बताऊं, हम यहाँ क्लोज ग्रुप में बात कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक बात है कि एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंट है इंडिया मार्केट के लिए, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। आज आपको बोल के जाए मोदी जी या नहीं है, आप कल्पना नहीं कर सकोगे कि इंडिया में क्या होगा, तो ये तो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। अरे वो भी इंसान है, वो भी बीमार भी हो सकते हैं, भगवान ना करे तकलीफ भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, इतना ट्रैवल करते हैं तो डिपेंडेंट हो गए आप तो एक आदमी के ऊपर, पूरी मार्केट आपने उस पर बिठा दी खाली, मोदी जी हैं तो ठीक है, नहीं है तो खराब है, ऐसे थोड़ी होता है, मार्केट इस तरह से काम नहीं करती। मार्केट देखते ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ग्राउंड पे जिस तरह से चीजें बदलेंगी, और इंडिया के अंदर बदलने में चीजों को समय लगता है, हम इतने पुराने लोग हैं कि हमें पुरानी बीमारी भी अच्छी लगती है, हम नई बीमारी से भी डरते हैं। आप आज को मैं कह दूं किसी को आपको ऐसी बीमारी होगी जो हिंदुस्तान में किसी को नहीं हुई तो आप परेशान हो, आपको मैं कह दूं आपको टीबी भी है तो आप कोई वक्त नहीं होता, पुराने हमें पता है इसका क्या है, हम इतने ज्यादा थके हुए लोग हैं कि हमें नई बीमारी से भी डर लगता है, तो नया हम एक्सेप्ट आसानी से नहीं कर पाते, हम लोगों को समय लगता है बदलने में, हमें अपने आप को चेंज करने में टाइम लगता है, और मार्केटें उस चीज़ को जानती हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे 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 यहाँ की इकॉनमी, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वो धीरे धीरे चेंज होती है। इंडिया के अंदर सबसे बढ़िया जो आज के डेट में एक प्लस पॉइंट है कि हम 125 करोड़ हैं खाने वाले बस, और हम खाते हैं, कंसम्पशन खाते हैं, तो हर चीज यूज कर रहे हैं ना, और यंग कंट्री, तो ये दो प्लस पॉइंट के अलावा तीसरा प्लस पॉइंट मुझे तो आज तक नजर नहीं आया, आपको आया हो तो पता, और माइनस पॉइंट बोलो मैं 500 भी मार सकता हूँ,
तो भूल जाए हम मार्केटें क्या करती हैं। बाकी ये ज़रूर है कि हम इंडियन इस तरह के हैं कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, कहीं ना कहीं जुगाड़ भी बना लेते हैं उनके, और हम अपने आप को सिचुएशंस में जो है सर्वाइव भी कर जाते हैं। तो एडवर्स सिचुएशन होगी, इतने हजारों सालों से हम इसीलिए अब तक बचे हुए जिंदा हैं, और इतने सारे हैं वो इसीलिए बचे हुए हैं कि हम सर्वाइव कर जाते हैं। तो आज की डेट में पूरे वर्ल्ड का जो जो सेंटर है वो डॉलर है या यूरो आप कह सकते हो। डॉलर्स में ही देखा जाता है ना सब कुछ, अलग सैलरी भी देते हैं डॉलर्स में ही, सब कुछ करते हैं आप, भावी कंपनी जितनी है हर चीज डॉलर्स में करते हैं। आज एक कंट्री की करेंसी अगर डेप्रिशिएट हो गई है तो जिसको आप एक पैरिटी बोलते हो, प्राइस पैरिटी, वो तो चेंज हुई है ना कहीं। आज आप एक आज गोल्ड है मान लो, आज गोल्ड वहां पर अगर 1200 डॉलर 1300 डॉलर का चल रहा है, यहां पर आपके यहां पर वही 35,000 30,000 30,000 जो भी रेट था पीछे, 40,000 जो भी रेट है, 35,000 के आसपास वो रेट चल रहा है। लेकिन अगर डॉलर टर्म्स में आप लगाए होते तो वो आज 20-25,000 होता, 20,000 होता। वो आज उस रेट पे खड़ा है तो आप ये सोच लो कि नहीं हमारी तो यहाँ नहीं गिरा है, लेकिन एक्चुअली पैरिटी तो बदली है ना कहीं ना कहीं। आज जो गाड़ी वहां पर आपको $5,000 की मिल जाती है, यहाँ पर आपको आगे 30,00,000 की पड़ती है। अगर यही डॉलर, यही जो आपकी करेंसी 40-45 रुपए होती तो कितने की मिलती है आपको वहां पे? तो $5,000 की गाड़ी है ना सर, वहां $5,000 की गाड़ी है, वही गाड़ी आपको 20,00,000 की मिलती है, आज आपको 30,00,000 की मिलती है। तो आप ये क्या कहोगे कि हमारे यहाँ पर गाड़ी महंगी हो गई? गाड़ी वही रेट है। आज एप्पल का फोन अगर वहां पे $500, $600, $700 का फोन है तो वो वही रेट है, लेकिन हमारे यहाँ आके ऊपर हो जाता है ना। तो आज अगर आपको मार्केट से रिटर्न फालतू मिल रहा है तो आपको सामान के पैसे भी तो फालतू देने पड़ रहे हैं। आज आपको मार्केट से अगर चीज कोई फालतू रेट की दे रही है, मार्केट में दिखा रही है वो रेट, ये रेट है मेरा, तो आपको प्राइस भी तो ज्यादा देना पड़ रहा है, तो बराबर हो गए ना। तो लेकिन मैंने तो रुपीज में इन्वेस्ट किया था, रुपीज में रिटर्न मिल रही है मेरे को मार्केट से, तो मेरे को उससे क्या फर्क पड़ता है डॉलर से? सर जितना करेंसी डेप्रिशिएट होती है उतना इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, आपने वो हिसाब नहीं लगाया होगा ना। जब जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है पिछले सालों के अंदर, इन्फ्लेशन 9-10% के आसपास रही है। आप अगर वो हिसाब लगाओगे तो आपका पैसा एक्चुअली नीचे ही आया है। आपने करेंसी में, आप अपनी जगह ठीक हो गए, मैं तो इंडिया में रहता हूँ, मैंने करेंसी में लगाया और मेरी करेंसी यहाँ है, लेकिन जब आपका रुपया, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो इंडिया जैसी कंट्री में इन्फ्लेशन भी ज्यादा होती है। नॉर्मल इन्फ्लेशन आज के रेट में आप देख लो 2-3-4% इन्फ्लेशन है, 12-12% इन्फ्लेशन थी पिछले 2 साल पहले, और एक्चुअल में तो आज आप ये तो आंकड़े दिखा रहे हैं आपको सारे, आप जाके देखो आपको साल में 10% इन्फ्लेशन आज भी है। जो सामान आप जितने का आज ले रहे हो, आपसे साल भर बाद आप जाओगे 10% फालतू मिलेगा। चाइना की करेंसी तो पहले तो होल्ड करके बैठे थे ना सर, चाइनीज करेंसी के ऊपर देखे ना, उनकी अपनी करेंसी है, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो डॉलर के ऊपर, वो चाइनीज से नहीं हो, वो तो अपनी करेंसी है ना। मैं ठीक हूँ, जो चाइनीज की जो स्टॉक मार्केट है, हमने ये बोला था कि आज अगर हम लेवल देखते हैं उसको डॉलर कन्वर्जन में लगाएं, हम वही के वही है जहाँ 10 साल पहले थे। हाँ तो बहुत वही सेम थिंग अगर हमें बेचाई चाइनीज इंडेक्स तो बढ़े, वो बढ़े सिंगल हैंडेड चली। चाइना को आप इंडिया से कैसे मिला रहे हो तो ये समझ नहीं आ रहा। चाइना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो चाइना की करेंसी चाइना पे काम करेगी ना सर, वो इंडिया पे थोड़ी काम करेगी। ये फार्मूला उनके ऊपर क्यों नहीं? हाँ तो फार्मूला उन पे भी लगता है सर, उनके जाके देखो ना मार्केट वही की वही खड़ी है पिछले 20 साल से, आपको चार्ट दिखा दूंगा। इन चाइना के मार्केट लास्ट 20 ईयर से वही है। हाँ हम आपको चार्ट दिखा देंगे, और मेरा जो कुछ अपना चार्ट नहीं हो तो आप जहाँ मर्जी चल रही है। एक्सपोर्टर को एडवांटेज है, एक्सपोर्टर और एक इंडियन मार्केट में काम कर रहा हूँ, एक्सपोर्टर
हाँ फायदा तो हुआ ना सर, आईटी को कंपनियों को हमारे देखा, हमने आईटी फार्मा को जो एक्सपोर्टर है उनको पिछले 4-5 सालों में काफी फायदा हुआ। सही एसी ठीक हो सकता है, एसी ना हॉल बहुत बड़ा है और पार्टीशन पैटर्न है, फैंस लगवा रहा हूं फैन तो पैक तो खड़ा ही हो जाएगा। हां जी सर, मेरा सजेशन है माहौल आप लोग नए हैं जैसे आपने बोला अभी, तो हम थोड़ा सा ये ले रहे थे कि हमने जो पहले बात की है उसका एक बार थोड़ा क्लियर हो जाए क्या है, उसके बाद हम आगे की बात करें ज्यादा बेटर। तो ये प्रेजेंटेशन या ये एरिया जिसपे हम आज बात कर रहे हैं ये हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। आज हम उसकी थोड़ी आगे की बात करेंगे क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे, मैं 2 साल बाद आ रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली, 2015 में लास्ट हुआ था मेरा प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन था उस दिन। तो आज हम बात जो कर रहे हैं वो ये कि आज हमारी मार्केट जो है वो जैसे लोग कह रहे हैं बुल मार्केट में है या बुल मार्केट स्टार्ट हो गई है, वो मैंने आपको आके सबसे पहले ही बताया कि हमारी बुल मार्केट अभी स्टार्ट नहीं हुई है, वो उस तरफ को चल रही है। लेकिन बुल मार्केट का जो मेन जो हम चार्ट देखते हैं टेक्निकली उस पर पिछला हाई क्रॉस होना चाहिए, बट डॉलर टर्म्स में अभी वो हाई 10% ऊपर है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली। हाँ जी दिखा देता हूँ, तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर 11,000 के ऊपर जब निफ्टी जाएगी तो हमारी एक्चुअल बुल मार्केट इन टेक्निकल टर्म्स स्टार्ट होगी। उसके बाद स्टार्ट होने के बाद वो कितना आगे जाएंगे वो तो आगे की बात है, लेकिन जिस पैटर्न में हम हैं जो मैंने 2011 में बताया था कि हम कहीं नहीं जाने वाले, 2011 के अंदर जब हम 6300 पे दोबारा थे तो जितने भी लोग थे अटेंड करने वाले उन सबको ये लग रहा था कि अब हम 10,000 11,000 15,000 उस दिन की बात बोल रहा हूँ आपको, जितने लोग हैं सब मौजूद हैं यहाँ पे कुछ लोग उसमें से, सबको लग रहा था कि अब पहुंच गए। मैंने उस दिन बोला था कि हम आने वाले 5 साल तक कहीं नहीं जाने वाले, और काफी लोगों ने पीछे मुंह कर करके मुझे कुछ भला बुरा भी कहने की कोशिश की थी उस दिन। उसके बाद जब हम 2 साल बाद फिर मिले तो उनकी आवाज़ कुछ और कम हुई, 1 साल बाद और मिले।